एक विवाहित युवक को अपने महिला मित्र के साथ पाटन सावंगी की लॉज में रुकना महंगा पड़ा। जिस कैब से वह महिला मित्र को लेकर गया था, उसी कैब के चालक ने लॉज में रुकने की जानकारी परिजनों को देने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर 6 लाख रुपए वसूल किए। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार प्रताप नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत प्लॉट नंबर 73 ब्लैक डायमंड अपार्टमेंट के बाजू में गजानन मंदिर रोड त्रिमूर्ति नगर निवासी आशीष कन्हैयालाल जोशी विवाहित है। जुलाई 2018 में वह अपनी महिला मित्र के साथ पाटन सावंगी अपने परिचित कैब के चालक कामठी रोड प्लॉट नंबर 67 सुमन विहार निवासी रोशन पुरुषोत्तम इंगले के साथ गया था। कुछ महीने के बाद आरोपी कैब चालक ने आशीष को फोन कर यह कहते हुए ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि उसके पास लॉज की रसीद है और लॉज में महिला के साथ रुकने की जानकारी उसके घर वालों को दे देगी। अपनी बदनामी होने से बचने के लिए आशीष ने उसकी बात मानी और उसे फरवरी 2019 में 1,50,000 नकदी, अप्रैल 2019 में 2 लाख नकदी और सितंबर 2019 में 1 लाख, अप्रैल 2020 में 1,50,000 नकदी मिलाकर करीब 6 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद फिर से आशीष को कैब चालक रोशन ने चैटिंग कर 3 लाख रुपए मांगे। काल पुलिस ने प्रताप नगर से एक प्रतिष्ठित नागरिक, एक औषधि व्यापारी यांनी आपल्याला तक्रार दिली की ते सन 2018 मध्ये त्यांच्या एका मैत्रिणीसोबत ग्रामीण एरियामध्ये एका हॉटेलमध्ये गेलेले होते आणि त्या हॉटेलमध्ये जाताना त्यांनी एक टॅक्सी हायर केलेली होती। ती टॅक्सी होती रोशन इंगळे नावाच्या व्यक्तीची आणि ते जेव्हा परत निघाले तेव्हा त्यांची दोघांची रिसिप्ट जी आहे ती हॉटेलची ती त्या टॅक्सीमध्ये राहून गेली। त्यानंतर सन 2018 पासून तो टॅक्सी चालक रोशन इंगळे हा व्यक्ती या प्रतिष्ठित नागरिकांना तुम्ही मुलींना बाहेर घेऊन जाता, तुम्ही बाहेर खाली आहात अशा प्रकारची भीती दाखवून तुमच्या फॅमिलीला हे सर्व सांगतो, तुमची समाजामध्ये बदनामी करतो असे भीती दाखवून त्याच्याकडनं 2018 ते 2021 पर्यंत 6 लाख रुपये त्यांनी ब्लॅकमेलिंग करून घेतले आणि कालसुद्धा ते त्याच प्रकारे पुन्हा त्यांच्या दुकानामध्ये आले आणि त्यांना याच कामाकरता 3 लाख रुपये पुन्हा मागू लागले। तर त्यांना यावेळेला पैसे द्यायचे नव्हते तर त्यांनी त्यांना थोडा होकार दिला आणि पोलीस स्टेशनला येऊन आपल्याकडे रिपोर्ट नोंदवली। तर आम्ही लगेच कारवाई केली माननीय DCP हसन साहेबांच्या मार्गदर्शनामध्ये। इतना ही नहीं, वह रोशन और अपने मित्र जरीपट का निवासी विकास मधुकर वाणी के साथ कैब से प्रताप नगर चौक गायत्री चौक मेडिकल स्टोर में आशीष से मिलने पहुंचे। वहां पैसे नहीं देने पर धमकी देने लगे। आशीष ने हमेशा की झंझट से मुक्ति पाने के लिए आखिरकार इस मामले की शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भानवी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।